आज मैं बात करने आया हूँ रिगार्डिंग कतर। कतर एक रूट खुल चुका है जो आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था और बहुत अच्छे से चल रहा है इस टाइम पे। बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको कनाडा जाना है, जिनको यूएसए जाना है, जिनको यू नो सऊदी अरेबिया जाना है, यूएई जाना है, वो कतर से ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं कतर में जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किए हैं तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने ये प्रॉब्लम्स रख देनी चाहिए ताकि आप लोग जब ट्रैवल करें तो आप ये चीज़ें फेस ना करें वहाँ पे। सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो फ्रॉड आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फिर फ्रॉड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और उनको कोई पकड़ेगा नहीं वहाँ पे या वो आराम से निकल जाएंगे स्मूथली, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कतर गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, और आप गलती से भी पकड़े गए तो आप हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ ये सब स्टेप्स आप प्लीज़ मत उठाइएगा, और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का नाम ख़राब होता है। तो अपने देश के लिए सोचिए और अपनी ज़िंदगी के लिए सोचिए और ये सब चीज़ें मत कीजिए। सबसे पहला इशू जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमें सोशल मीडिया पे, हमारे ब्लॉग्स पे और हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, और वो ये है कि हमें रिटर्न टिकट क्यों लेके जानी है कतर के, और लेके जानी है या नहीं लेके जानी है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ कि आपको रिटर्न टिकट लेके जानी ही है, उसके बिना आपको बोर्ड नहीं करने देंगे इंडिया से। अब हमसे लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम रिटर्न टिकट लेके जा रहे हैं और हम कनाडा आगे से फ्लाई कर रहे हैं तो ये तो हम गलत कर रहे हैं, इट इज़ अ फ्रॉड। इसमें एक टेक्निकलिटी है और उस टेक्निकलिटी के हिसाब से ही ये ट्रैवल पॉसिबल इस टाइम पे हो रहा है, बिकॉज इंडिया टू कतार जो एयरलाइंस है वो अंडर एयर बबल एग्रीमेंट चल रही है। सो एयर बबल एग्रीमेंट के अंडर अगर इंडिया से आपको कोई एयरलाइंस दूसरी कंट्री में लेके जा रही है जो कि एयर बबल एग्रीमेंट में आता है तो उनको रिटर्न टिकट यहाँ पे देखनी ज़रूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट एयरलाइंस की है, इमिग्रेशन की नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग गए हैं जिन्होंने इमिग्रेशन को साफ साफ बोला है कि वी आर फ्लाइंग टू कनाडा अहेड, ये हमारी टिकट्स है, हमारे पास एक रिटर्न टिकट भी है तो हम फ्लाई कर रहे हैं, और उनको आगे जाने दिया है। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट टू कम्प्लाई विद द गाइडलाइंस, आप लोग एक रिटर्न टिकट अपने साथ रख रहे हैं। गाइस इस रूट में एक और प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से जो एयरलाइंस फ्लाई करके आपको कतर लेके जा रही है वो एयरलाइंस का जो स्टाफ है पूरी तरह अपडेटेड नहीं है। पहली बात कि ये लोग पैंडेमिक के बाद इन्होंने नया स्टाफ रखा है, दूसरी बात ये जो स्टाफ है इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद आपसे कम पता है। हमारे साथ ऐसे 3 या 4 केसेस हो चुके हैं जहां पे हमारे जानने वाले लोगों ने ट्रैवल किया है और उन लोगों को उन्होंने रोका है, उन्होंने तंग किया है। कभी उनको बोला गया कि आपको 10 नाइट्स के लिए स्टे करना पड़ेगा डिस्कवर कतर के होटल में, कभी उनको बोला गया कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो, कभी उनको बोला गया कि जो आपका अप्रूवल है जो आपने एतराज ऐप से लिया है वो वैलिड नहीं है। तो गाइज इन सभी केसेस में आफ्टर फाइटिंग, इन लोगों को समझाने के बाद, इन लोगों को बताने के बाद कि क्या रूल्स हैं कैसे है, उन लोगों ने उनको फ्लाई करने दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एयरलाइंस का स्टाफ है वो लोग अपडेटेड नहीं है, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको सारे प्रूफ्स अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे, आपके हाथ में सारे प्रूफ होने चाहिए जो ये दिखा सके कि आप वैलिड तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, जो जो रिक्वायरमेंट्स कतर गवर्नमेंट की थी, इंडियन गवर्नमेंट की थी, आप सब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हो और आप फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन एयरलाइंस वालों को समझाना पड़ेगा आपको। उसके बाद इमिग्रेशन में जाना, इमिग्रेशन वाले कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको पता है दैट यू आर फ्लाइंग टू कैनेडा। गाइज वो लोग कोई बच्चे तो है नहीं, वो आपका पासपोर्ट खोल के देखेंगे, उसमें स्टैंप लगा होगा तो सब कुछ पता चल जाता है, बट पीपल आर फ्लाइंग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, इट इज़ जस्ट ये एयरलाइंस का कंप्लायंस है और एयरलाइंस वाले अपडेटेड नहीं रहते हैं। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको जब आप वहां पे जा रहे हो अगर आपको गलती से भी रोका है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पे सही है और आप गलत बात कर रहे हो। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो अपने पास आप करेंसी रखिए। हम लोगों को जो अपडेट मिली है उस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक अपने पास रखने हैं, वो चाहे आपके क्रेडिट कार्ड में हो, चाहे आपका फॉरेक्स कार्ड हो, या फिर आप यूएसडी या फिर आप जो भी कतर की करेंसी है उसमें आप लेके जाओ। अगर आप ये पैसा अपने पास नहीं रखते हो और आपको इमिग्रेशन में उन्होंने पूछा कि आपके पास पैसा इनफ पैसा नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको बोर्ड करने से मना कर दें और आपको उसी टाइम पैसा अरेंज करना पड़े। तो गाइस इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार आप कतर पहुंच गए तो कतर पहुंचने के बाद कोई इशू नहीं है, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो स्टैम्प मारेंगे, वो आपको बाहर निकाल देंगे। हाँ ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इमिग्रेशन से पहले आपको एक सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा और आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद इमिग्रेशन होता है। तो सिम कार्ड के लिए आप एटलीस्ट आप या तो अपने पास क्रेडिट कार्ड रखिए या फिर कतर की करेंसी में पैसा रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आरटीपीसीआर का भी आपको वहीं पे पे करना पड़ेगा, तो वो करेंसी एक्सचेंज का थोड़ा इशू आ सकता है, तो उसका आप पहले से सॉर्ट आउट करके रखिए। ओके गाइज एक चीज है जो कि एक कंसर्न का इशू बन रहा है इस टाइम पे। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें 1 नाइट आप कतर में दे दीजिए, हम नेक्स्ट डे फ्लाई कर जाएंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तो बहुत आसानी से मिल जाती है। भाई कतर में ये चीज़ नहीं है, आप गलती से भी ये चीज़ मत कीजिएगा। लोगों को 40 आवर्स लग रहे हैं टेस्ट
रिपोर्ट अपने हाथ में लेने के लिए। अगर आपने गलती से एक नाइट का स्टे वहां पे रखा हुआ है और आप एक नाइट के बाद फ्लाई कर रहे हो, तो देर आर वेरी मच चांसेस कि आपको अपनी फ्लाइट पोस्टपोन करवानी पड़ेगी और आप बुरी तरह फंस जाओगे। और इस टाइम पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। जो भी अवेलेबिलिटी मिल रही है, अगर आप 2 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो, तो वो बॉस्टन से जा रही है जहां से इंडियंस फ्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर वो लंदन से जा रही है वहां से भी आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। तो प्लीज अपने बीच में गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इशू है टेस्ट रिपोर्ट्स का। मैसेज तो वो दे देते हैं कि आप नेगेटिव हो, पर जो हाथ में अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको पास के हॉस्पिटल में या सेंटर, सिटी सेंटर में जाना पड़ेगा, जहां पे वो आपको आपके रिपोर्ट हाथ में देंगे। सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको कोई भी मैनेज करके वहां नहीं देगा, ये आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप होटल में हैं, तो आपको होटल वाले से पूछना पड़ेगा कि आसपास का सिटी सेंटर कहाँ है या हॉस्पिटल सेंटर कहाँ है और हम कहाँ से रिपोर्ट्स ले सकते हैं। आप जब एयरपोर्ट पे भी हैं, जब आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहा है, वो चाहे बंदा कितना भी इरिटेट हो, आपको पूरा प्रोसीजर जानना है और आपको सब चीजें पता करनी है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसमें कोई एजेंट, कोई कंपनी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कतर गवर्नमेंट का रूल है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाइस, एतराज ऐप का बहुत लोगों को टेंशन होता है कि अगर हम एतराज ऐप भरेंगे और हमारा अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, तो हम क्या करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज हो रही है, हमें सुनने में आया है कि लोगों के डिक्लाइन हो रहे हैं। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट सही नहीं है, या आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वहां पे पूरी जो चीजें हैं उसको देख के भरिएगा। वहां पे ऑप्शन आता है कि जो आपने डोज लगाई है वो एक डोज लगी है, दूसरी डोज लगी है, कौन सी आपने वैक्सीनेशन ली है। कहीं पे कुछ गलत मत भरना। आपकी जो डेट्स हैं, डेट्स एग्जैक्ट डेट डालनी है, क्योंकि हमने ये सुना है कि जिन्होंने कुछ गलती कर दी है और उनका उनका डिक्लाइन हो गया है, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उनको 10 डेज क्वारंटीन में डाल दिया। तो ऐसा अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ना हो, तो प्लीज ढंग से फॉर्म भरिएगा विदाउट एनी हरी, आराम से करो। उसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से चाहे पूरा दिन लगाओ उसको भरने में, पर उसको अच्छे से भरो। हाँ, ऐसा मत करना कि आपके सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं फ्लाइट में और फिर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, नहीं तो फिर वो आपको अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे की जो फ्लाइट है कतर टू कनाडा, अभी इसमें कोई इशू हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है, कोई इशू नहीं आ रहा है, बहुत आराम से फ्लाई कर रहे हैं हम। आपको एक चीज अभी बता देता हूँ कि इस टाइम पे अगर किसी को नई टिकट करनी है, तो कतर टू कनाडा फ्लाइट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप प्लीज अपने रूट्स चेक कीजिए, कोई भी लेओवर मत लीजिए, 2-2 लेओवर्स मत लीजिए। ऐसा मत देखिए कि आप बॉस्टन से लेओवर ले रहे हैं या फिर आप लंदन से लेओवर ले रहे हैं, आप बुरी तरह फंस जाएंगे। किसी एक्सपर्ट से पहले बात कीजिए, फिर फ्लाइट्स बुक कीजिए। इंडिया टू कतर इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, अगर लेओवर होता भी है तो इंडिया में ही होता है, तो कोई इशू है नहीं। पर जो आगे की फ्लाइट है, पहली बात वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हुई है, दूसरी बात उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी बुक करने से पहले। गाइस, हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और हम सबको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग हमसे नाराज होके भी गए और बहुत लोगों ने हमें ये भी बोला कि हम आपकी वेट करेंगे। हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि यार, हम एक एक इंसान की अभी हेल्प नहीं कर सकते। पहले हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ उन लोगों की हेल्प करेंगे जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, पर धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर ऑलमोस्ट 70% ऐसे लोग हैं जिनको, जो मजबूरी में है इस टाइम, उनका फ्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। सबको हम अभी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है।